हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी। आज बच्चे जिद कर रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा इनकी फरमाइश पूरी करी जाए। तो आज मैं इडली बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। ये मेरे पास देखिए, ये मोटी वाली सूजी है, आप चाहे कैसी भी ले लीजिए। तो हम इसको मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप दही लिया है। ये सूजी का आधा दही है, ये दही बिल्कुल खट्टा नहीं है। इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार लीजिए। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप पानी। जिस कप से हमने दही लिया है उसी कप से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, हम बैटर को चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था, तो सूजी कितनी फूल गई है, इसलिए इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। तो हम बैटर को पतला कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इडली बनाने वाले हैं। तो आप इसी टाइम पे, जब आप बनाने लगे उसी टाइम पे आप इसमें इनो डाल लीजिए। इनो के ऊपर बस थोड़ा सा पानी। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इनो को आप पहले से डाल के मत रखिएगा, वरना आपकी इडली अच्छी नहीं बनेगी। जब हम बनाने लगे उसी टाइम आप डाल लीजिए। चलिए अब हम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये ट्रे ली है, अब हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। इसे ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। तो अब हम इस बैटर को इडली स्टैंड में डाल लेते हैं। देखिए, मैंने इडली बनाने के लिए गैस पर ये इडली का कुकर रख लिया था, और मैंने इसमें पानी भी बॉईल कर लिया है। तो पानी उबल चुका है और जो हमने ये इडली फिल की है इसमें, वो हम इसमें रख लेते हैं। अब हम इस पे ये ढक्कन लगा लेते हैं और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे ये, और 10 से 15 मिनट तक हम इनको इसमें पकने देते हैं। तो चलिए देखिए, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब इडली को चेक कर लेते हैं। वाओ, इतनी मस्त फूली है इडली। तो अब हम इडली को चेक कर लेते हैं कि ये पकी कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक चक्कू लिया है, इसके अंदर हम डाल के देखते हैं। जैसे ही क्लियर निकलेगा मतलब हमारी इडली पक चुकी है। तो देखिए, चाकू एकदम साफ निकला है, सूखा निकला है। तो इडली हमारी पक चुकी है। चलिए अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए हम इडली को इससे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा गर्म है, आप चाहे तो इसे थोड़ी देर ठंडा भी होने दीजिए।
देखिए कितनी इजीली हमारी इडली निकल गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी स्पॉन्जी बनी है, ये बाहर से ही दिख रही है। तो चलिए पहले तो मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ आपको कि ये कैसी बनी है। देखिए कितनी मस्त बनी है हमारी इडली। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।